हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ दी एजुकेटर्स PIB प्लस हिंदू एनालिसिस 1 अक्टूबर 2017। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है, कुछ अर्जेंट काम आ गए थे, लेकिन 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर तीनों करंट अफेयर्स एनालिसिस आपको आज वीडियोस रात तक मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले 1 अक्टूबर डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स PDF में अवेलेबल रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनका, तो डाउनलोड करने की ज़्यादा टेंशन मत लेना, समझने पे ध्यान देना। सबसे पहले GS1 देख लेते हैं। तो GS1 में दोस्तों ये बातुकामा फेस्टिवल के बारे में ना बार बार आ रहा था, हिंदू के जो रीजन वाला पेज आता है ना उसमें बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, फ्लोरल फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ अ फ्लोरल फेस्टिवल। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन जो तेलंगाना में होती है। हर स्टेट की एक फेस्टिवल होता है, जैसे महाराष्ट्र में आपका गणपति पूजा होती है, ठीक है, बंगाल में आपका दुर्गा पूजा, तो तेलंगाना का वन ऑफ द मेजर जो फेस्टिवल है वो ये आपका बातुकामा है। इसी वजह से ये स्टेट फेस्टिवल भी है तेलंगाना का। ठीक है, आजकल का फेस्टिवल नहीं है, सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है। कम्युनिटीज प्रेयर ऑफर करती है टू अ लोकल डिटी कॉल्ड मदर गौरामा। ठीक है, तो इनको ही ये जो फ्लावर्स होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर, और जो वर्शिपर्स होते हैं, अब आप इस फेस्टिवल में देखिए, जो वर्शिपर्स होते हैं वो पहले अपने लिए नहीं मांगते, वो पहले अपने विलेज के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा कम्युनिटी ओरिएंटेड एक फेस्टिवल है, जिसमें आप अपने खुद की भलाई की नहीं, आप अपने पहले अपने गाँव की, अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, उसके बाद GS2 में देख लेते हैं। इंडिया होस्ट्स ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम टू एड्रेस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग होल्ड जॉइंटली विद वर्ल्ड बैंक एंड UNDP। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और UNDP दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को होल्ड करते हैं, और इस प्रोग्राम की जो थीम है आपकी वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, इट वॉज़ इनिशिएटेड बाई वर्ल्ड बैंक इन 2015, और अभी तक की इसके 4 ऐसे प्रोग्राम्स पहले हो चुके हैं इंडिया में होने से पहले। वो आपके कहाँ कहाँ पर हुए हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, हनोई वियतनाम में, नैरोबी कीनिया में, और लिबरवई गेबोन में। तो इन जगहों पे आपके ये जो फेस्टिवल्स हैं पहले हो चुके हैं, और ये जो अब इंडिया में हुआ, तो इंडिया ने एक इसके होने पर एक 15 ईयर जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है वो दे दिया। इंडिया ने कहा कि हम एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान बना रहे हैं 2017 से लेकर 2031 तक जो काम करेगा, और इसको लॉन्च करने की बात की गई 2 अक्टूबर को, कि इसको हम 2 अक्टूबर को इस प्लान को हम लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना, अब इस जो ये प्लान रहेगा इंडिया का, जिसकी डिटेल्स अभी 2 अक्टूबर को बाहर आएंगी, तो हम इसको 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्लान में जो स्पेशल फोकस रहेगा वो पीपल्स पार्टिसिपेशन पर रहेगा। ठीक है ना, और पहले जो आपके जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड प्रोग्राम्स होते थे वो जनरली फोकस करते थे आपके नेशनल पार्क्स को या सेंचुरीज को, जो आपके प्रोटेक्टेड रीजन हैं, लेकिन इस वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में आपका जो प्रोग्राम्स होंगे वो लैंडस्केप बेस्ड बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक पर्टिकुलर सिर्फ आप किसी एक नेशनल पार्क को टारगेट कर रहे हो या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टारगेट कर रहे हो, पूरे लैंडस्केप के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें ध्यान रखा जाएगा जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ पे, ग्लोबल वार्मिंग के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, वो सब इस प्लान में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में देख लेंगे। उसके बाद जो अब ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की, तो इसके आउटकम्स क्या क्या निकलने की बातें हुई। सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर के आसपास हो रही है, तो महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस के, वो यहाँ पर हाईलाइट होते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा नहीं कहते थे कि आप सिर्फ इंसानों के साथ नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कीजिए, उनका ये मानना था कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ हमें नॉन वायलेंस जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, टेक्स लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बाई शोकेसिंग इंडियाज़ कंजर्वेशन मॉडल्स। ठीक है, तो हमने अपने कंजर्वेशन मॉडल्स जो हैं, जो हमने लायन के लिए, एशियाटिक लायन के लिए, या सिंगल हॉर्न राइनो के लिए असम में, या टाइगर के लिए, जो सब हमने कंजर्वेशन मॉडल्स हमारे जो सक्सेसफुल रहे हैं उनको हाईलाइट किया। कंसॉलिडेटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें जो मेजर फोकस वो रहा। इट ऑल्सो एड्रेस्ड जो रिक्वायरमेंट है अभी करेंटली वर्ल्ड की, कि जो अनअकाउंटेड ब्लैक मनी जनरेट हो रही है थ्रू इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, उसको अब टारगेट किया जाए, ताकि जो ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो स्किन में या अलग जो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स का जो ट्रेड किया जाता है इलीगली, उसको अब ठीक करने की ज़रूरत है।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कॉरपोरेट को, बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर को, मीडिया को, यूथ को, ताकि वो इन्वेस्ट करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्टेट का ही काम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना, पीपल्स पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं तो मेजर फोकस है, तो इसीलिए इन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। ठीक है ना, डेवलप सस्टेनेबल मॉडल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन, ये हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद मेजर डिसीजंस टेकन फॉर रेलवे सेफ्टी, तो मुंबई इंसिडेंट जो अभी हुआ है जहाँ पर 23 लोगों की डेथ हो गई है, तो उसके बाद रेलवे ने कुछ डिसीजन लिए हैं सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, तो वो क्या डिसीजन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके जो फुट ओवर ब्रिजेज होते हैं, जो रेलवेज में जो ब्रिजेज बने होते हैं क्रॉस करने के लिए ट्रैक्स को, तो उनको पहले एज अ सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता था। ठीक है ना, उनको सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता, उनको एज अ नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट किया जाता था। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, रेलवेज ने ये डिसाइड किया है कि इन FOBs को अब सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट किया जाएगा एंड दे विल बी ट्रीटेड एज दी सेफ्टी आइटम्स। ठीक है, तो जो अगर आपकी कोई आइटम सेफ्टी आइटम्स की लिस्ट में आ जाती है तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी जाती है। और बजट, और अब रेलवे ने ये कह दिया है कि अगर कोई आइटम जो है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो वो सेफ्टी आइटम के अंदर आता है, तो वहाँ पर कोई बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि इतने पैसे में इसको बनाना है, जितना भी पैसा लगे, मेजर एम क्या होगा, सेफ्टी इंश्योर करना, पैसा जितना मर्जी लगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कर दी, जो जनरल मैनेजर्स हैं रेलवे जोन्स के, उनको डेलीगेट कर दिया पावर। ठीक है, पावर डेलीगेशन कर दिया कि आप जो भी सेफ्टी के लिए आपके रेलवे जोन में पैसा लगता है आप लगाइए, और आपको इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पहले लिमिट लगा देते थे कि भाई हर रेलवे जोन के मैनेजर को 10 करोड़ मिलेगा, 20 करोड़ मिलेगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब कोई लिमिट नहीं है, आप सेफ्टी इंश्योर कीजिए, पैसा जितना मर्जी लगता है। एडिशनल एस्केलेटर्स लगाइए, जो हाई यूज स्टेशन हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसे हाई यूज स्टेशन पर एडिशनल एस्केलेटर्स को लगाया जाएगा। ठीक है, अब जो फील्ड में जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑफिसर्स की कमी है। ठीक है, जिससे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती, इसको ठीक करने के लिए हेडक्वार्टर से कुछ 200 ऑफिसर्स को फील्ड में लगा दिया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा उनको। ठीक है, ताकि वो ग्राउंड ऑपरेशन और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। CCTV कैमराज की तो हर प्रोजेक्ट में बात होती ही होती है। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव शन पावर्स टू फील्ड यूनिट्स। ठीक है, ये हमने देख लिया कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स जो हैं फील्ड यूनिट्स को दे रहे हैं, ताकि जो रेड टेपिज्म है वो ख़त्म किया जा सके। उसके बाद थर्ड एडिशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल, तो ये देख लेते हैं ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है तो प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स इन ऑर्गेनिक सेक्टर। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सेक्टर में जो औरतें काम कर रही हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं या फिर वो एंटरप्रेन्योर्स हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये काम किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है। एम इसका रहता है टू शोकेस इंडियाज मोस्ट वेरिड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ही इसका फोकस रहता है। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है वुमेन्स, उनको पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाता है। और थीम जो इस प्रोग्राम की है वो है आपकी गुड फॉर वुमेन, गुड फॉर इंडिया एंड गुड फॉर यू। उसके बाद अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप इन इंडिया, हमें पता है अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देख लेते हैं अगर एग्जाम में कभी पूछी जाए तो। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल प्लेइंग नेशन। ठीक है, हमारे यहाँ पे आजकल से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, बहुत पुराना से एक टाइम से फुटबॉल खेल रहे हैं, और इसी वजह से इंडिया इस साल कुछ 24 कंट्रीज को होस्ट करेगा आपके अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप में। ठीक है, अब जो ये गेम थी ये सबसे पहले आई इंडिया में टू कोलकाता एज पार्ट ऑफ इट्स कलोनियल इनहेरिटेंस। ठीक है, अंग्रेज आए, अंग्रेज अपने साथ कुछ गेम्स भी लेके आए जैसे क्रिकेट, और वैसे ही वो लेकर आए फुटबॉल। ठीक है, तो इस गेम ने मेनली जो पॉपुलैरिटी गेन की वो 1911 में गेम की। 1911 में ऐसा क्या हुआ, 1911 में कुछ नेटिव्स ने जिनको लीड कर रहे थे मोहन बागन, उन्होंने डिफ़ीट कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट यॉर्क रेजिमेंट को। ठीक है, तो अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि इंडिया को फुटबॉल खेलना नहीं आता, इंडिया तो फीफा में क्वालिफाई तक नहीं करता, तो कभी कुछ ऐसा बोलें तो ये स्टेटमेंट उनको चिपका देना, भाई लोग जब तुम्हें फुटबॉल के बारे में पता भी नहीं था ना, तब हम अंग्रेज़ों को हरा दिया करते थे, वो बात अलग है, उसके बाद हमें क्रिकेट में मज़ा आने लग गया तो हमने फुटबॉल पर थोड़ा ध्यान कम दिया, लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम खेलना चाहें तो फुटबॉल में भी फीफा में हम बैंड बजा देंगे। तो ऐसा कुछ अगर प्राइड फीलिंग लेना हो तो लगा सकते हो वहाँ पे। अब इसका जो फाइनल होगा वो कोलकाता में होगा। अब ये फैक्ट मैंने यहाँ पे क्यों कवर किया कि कोलकाता में होगा, क्योंकि कोलकाता में एक स्टेडियम है आपका सॉल्ट लॉक स्टेडियम। ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम है, और ये सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है आपका लार्जेस्ट है कंट्री में, तो बैंक के पेपर में, SSC के पेपर में ये पूछ लेंगे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे आपका, तो कोलकाता में बता देना। ठीक है, लार्जेस्ट है या नहीं, तो आपको ये पता चल गया, यहाँ से आपका ये फैक्ट क्लियर हो जाता है।
उसके बाद हार्दिक पटेल रिवाइविंग कास्ट प्रोटेस्ट, तो हार्दिक पटेल अब फिर से न्यूज़ में आ रहे हैं, तो ये देख लेते हैं सारा क्या माजरा है जो गुजरात में चल रहा है। तो अब हार्दिक पटेल पहले तो क्या है, ही इज़ दी फेस ऑफ गुजरात पटीदार कोटा एजिटेशन। तो जो गुजरात की पटीदार कम्युनिटी है वो कोटा मांग रहे हैं, रिजर्वेशन मांग रहे हैं जॉब्स में और एजुकेशन में, ठीक है। तो इन्हों हार्दिक पटेल साहब ने ये एजिटेशन लॉन्च किया था 2015 में, और इसी के लिए इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था पट्टीदार अनामंत आंदोलन समिति, ठीक है पास। तो ये इन्होंने एक पार्टी बना दी थी। अब जो आपकी ये पट्टीदार कम्युनिटी है, ये कुछ 14% ऑफ द गुजरात पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन इस पॉपुलेशन के पास डिसप्रोपोर्शनेट होल्ड है स्टेट पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में। माना कि पॉपुलेशन 14% है, लेकिन जो इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट में काफ़ी कम है। इस वजह से 2015 में प्रोटेस्ट हो गए जिसको लीड कर रहे थे हार्दिक पटेल साहब। अब ये प्रोटेस्ट जो थे आपके ये वॉयलेंट हो गए, ठीक है। पुलिस ने कुछ फायरिंग वायरिंग कर दी और उसमें 14 लोगों की जो थी वो डेथ हो गई। तो इस सब के चलते हुए हार्दिक को और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे उन पे सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया और उन्हें 9 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल का सेंटेंस पूरा करने के लिए उनकी फर्दर पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया और उन्हें 6 महीने से हार्दिक पटेल साहब को 6 महीने के लिए स्टेट से, जो आप टर्म यूज़ करते हैं, तड़ी पार कर दिया गया। स्टेट में उन्हें रहना अलाउड नहीं था, वो नेबरिंग राजस्थान की स्टेट में उन्हें भेज दिया गया और उन्हें डिसअलाउ कर दिया गया 6 महीने के लिए गुजरात वापस आने से। तो 6 महीने का टाइम भी खत्म हो गया, तो अब साहब गुजरात वापस आ गए हैं, तो वो फिर से कह रहे हैं कि हम रिवाइव करेंगे अपना कास्ट प्रोटेस्ट। तो उन्होंने अपना जो एजिटेशन है उसको रिज्यूम कर दिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह भी ऑफर किए। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे जो प्रोटेस्ट के टाइम पे, गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट के टाइम पे जो प्रोटेस्टिंग कम्युनिटी थी, जो पट्टीदार कम्युनिटी थी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर अगर पुलिस ने कुछ ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर दी हैं तो हम वो देखेंगे, उसके खिलाफ केस चलाएंगे पुलिस के खिलाफ, ठीक है। दूसरा, हम एक स्टेट बैक्ड कॉरपोरेशन बना देंगे जो हेल्प करेगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट को, क्योंकि ये स्टेट का ये कहना है कि हम आपको भैया कोटा नहीं दे सकते, हम आपको ये कह देते हैं कि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट हो तो हम आपको हेल्प दे देंगे, पढ़ाई में हेल्प दे देंगे, ठीक है, आपको सोर्सेज में हेल्प दे देंगे। तो वो सब हम देख लेते हैं। तो इस सब को रिजेक्ट कर दिया है हार्दिक ने और कहा है कि नहीं, हम तो कोटा ही लेकर मानेंगे। उसके बाद आपकी जो न्यूज़ थी, नीदर सेफ नॉर डिग्निफाइड, तो जो ये आर्टिकल था इसका मेन जो थीम था जो ये कवर कर रहे थे वो था प्रॉब्लम्स विद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो आप जानते हैं कि सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे कंट्री का फोकस होना चाहिए, तो इस आर्टिकल का मेन टारगेट था कि इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में प्रॉब्लम क्या है। तो मैम ने कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हाईलाइट किए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो वुमेन होती हैं, ठीक है, लेबर के टाइम पे वुमेन को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और उस टाइम पे इन्होंने क्या पाया कि ऐसी गरीब औरतों के ऊपर जो रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते और हॉस्पिटल्स में डिलीवरी कराने जाते हैं सरकार की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी स्कीम के अंडर, उनके ऊपर कंटिन्यूसली चिल्लाया जाता है, चीखा जाता है, ठीक है, जो फर्दर जो उनको एक्सपीरियंस देता है वो अच्छा नहीं होता। दूसरा, बर्थ कैनाल्स वाइडन एंड स्टिच्ड विदाउट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का यूज़ किए बिना ही उनके जो बर्थ कैनाल्स होते हैं उनकी वाइडनिंग और स्टिचिंग का काम कर दिया जाता है काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में। रिलेटिव्स बीइंग रिप्रीमेंडेड फॉर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स। रिलेटिव्स को बिल्कुल साइड में बिठा दिया जाता है, अगर वो कुछ पूछ लें तो उनको डांट फटकार के कि तुम साइड में बैठो, तुम डॉक्टर का काम नहीं जानते, ऐसे बोल के उनको साइड में कर दिया जाता है और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जो फर्दर जो है एक्सपीरियंस, जो पुअर एक्सपीरियंस जो है वो शो करता है, ठीक है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक रेफर करते रहते हैं उन्हें कि नहीं आप वहाँ जाइए, ये स्कीम यहाँ नहीं है, ये स्कीम सरकार ने उस हॉस्पिटल में लगाई है, अरे ये स्कीम इस वाले सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, उस वाले सरकारी हॉस्पिटल में है। तो ये बियर करना होता है। अब एक प्रेग्नेंट वुमेन को आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चक्कर लगा रहे हो तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही होगा ना। अब इसके कॉजेज क्या हैं, ये जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसिस हो रहे हैं इसके कॉजेज क्या हैं? एक तो डॉक्टरों की कमी, ठीक है, लैक ऑफ फुटफॉल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी है। सरकार ने तो कह दिया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराओ, लेकिन इंस्टीट्यूशनल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ है अभी तक। रिडक्शन इन हेल्थ बजट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं है और उसके ऊपर से हेल्थ बजट भी कम हो गया। फैमिलीज स्टिल एंड अप हैविंग कंसिडरेबल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस। अब सरकार ने ये कह दिया कि तुम आओ, हम तुम्हारे को डिलीवरी करा कर देंगे, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जो फैमिलीज हैं उनका अच्छा खासा खर्चा हो रहा है इस चीज़ में। मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया डज नॉट हैव अ सफिशिएंट जेंडर सेंसिटिव करिकुलम, ठीक है, जेंडर सेंसिटिव करिकुलम नहीं है हमारा यहाँ पे। तो जैसे कुछ डॉक्टर्स से ये रिपोर्ट पाया गया कि वो बिना एनेस्थीसिया, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि बिना एनेस्थीसिया यूज़ किए ही स्टिचिंग वगैरह कर दी, तो इन डॉक्टर से जब पूछा गया तो ऐसा क्यों, तो उनको उन डॉक्टर्स ने रिप्लाई किया कि हमारी एजुकेशन के टाइम पर हमें बताया गया था कि एनेस्थीसिया यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वुमेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टिचिंग के टाइम एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हो या नहीं यूज़ कर रहे हो। तो ये सब जो है एक पुअर जेंडर सेंसिटिव करिकुलम को शो करता है, तो इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अवॉइड डुप्लीकेटिंग एसेट्स एयर वाइस चीफ। तो अभी एयर वाइस चीफ जो है हमारे मार्शल एस बी दियो, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली कि हमारी जो कंट्री है वो अभी एक ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है, हमारा लिमिटेड सा बजट है तो हम डुप्लीकेटिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं जो है वो अफोर्ड कर सकते। अब आप कहीं पे भी देखें, कोई भी बात हो जाती है तो हमेशा ये बात सुनने में मिलती है कि हमारा डिफेंस बजट कम है, हम चाइना से कैसे लड़ाई लड़ेंगे, हम पाकिस्तान से कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो हमें हमेशा ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारी कंट्री की जो सिर्फ नीड जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ डिफेंस हमारी नीड नहीं है, ठीक है ना। तो हमें और भी चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम 10% GDP का डिफेंस को दे दें, 15% GDP का डिफेंस को दे दें, 20%, ऐसा नहीं होता है। हमें गरीब लोगों को भी ऊपर उठाना है, तो हम GDP का जो जितना हम दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि हमारी कंट्री एक ग्रोइंग कंट्री है और अब हम डुप्लीकेशन ऑफ एसेट्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि आर्मी भी जो एसेट्स यूज़ कर रही है अलग से, अपने मिलिट्री एयरफोर्स अपने अलग से एसेट्स यूज़ कर रही है। अब इसको इन्होंने हाईलाइट किया अपने एक कमेंट से कि आर्मी जो है, अब आर्मी अपना खुद का एक डेडिकेटेड फ्लीट ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाने की बात करिए, तो इनका ये कहना है कि जब एयरफोर्स के पास एक डेडिकेटेड फ्लीट है अटैक हेलीकॉप्टर्स का, तो आर्मी को डुप्लीकेट करके ऐसा एक फ्लीट बनाने की क्या ज़रूरत है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, उन रिसोर्सेज को हम कहीं और ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इन्होंने अपनी स्पीच में हाईलाइट की वो ये थी कि जो प्राइमेसी जो आर्मी जो कहती है ना कि हम प्राइम हैं बाकी तीनों सर्विसेज में, ठीक है, और अगर आप कोई ट्राई सर्विसेज इन्वायरमेंट बनाते भी हो उसमें भी आर्मी को आपको सुपीरियरिटी देनी होगी, तो इनका कहना ऐसा नहीं है। तीनों फोर्सेज की अपनी अपनी जो है वो खासियत है और तीनों फोर्सेज की अपनी अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो इन्होंने इतना ही अपनी स्पीच में इम्पोर्टेंट जो था डिस्कस किया। उसके बाद फुल थ्रॉटेड अटैक ऑन इमिग्रेशन, तो अब यूके का जो अटैक है वो कंटिन्यू हो रहा है इमिग्रेशन के ऊपर। तो यूके ने अब क्या किया है, यूके की गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, उन्होंने ये बोला है कि जिन भी बैंक्स में हम एक गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक लिस्ट देंगे और जिन भी बैंक्स में ये पाया जाएगा कि इस बंदे का अकाउंट इस बैंक में है और ये एक इलीगल इमिग्रेंट है, ठीक है, या इसकी जो स्टे की जो लिमिट थी, जो स्टे के इसके डेज थे, जो इसको अलाउड नंबर ऑफ डेज थे स्टे करने के लिए यूके में, वो पूरे हो चुके हैं, तो उस बैंक में उस बंदे का अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इट विल एक्ट एज अ डिटरेंट टू द इमिग्रेंट्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए एज अ डिटरेंट जो है वो एक्ट करेगा। तो इसको वहाँ की सरकार ने, ठीक है, अपने एक लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू पास कराया है, ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और यहाँ तक सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं। वहाँ की सरकार ने ये बोला है कि जो भी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं सर्जन्स हैं उनको अब क्या करना होगा, पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले उनका इमिग्रेशन स्टेटस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजीज़ हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है, काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ हैं, इमिग्रेंट्स हैं। तो अगर आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो बेसिक सर्विसेज के ऊपर आपने कह दिया कि पहले आप इमिग्रेंट स्टेटस चेक कीजिए उसके बाद आप बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, तो जो रिफ्यूजीज़ हैं जो बेचारे भागकर आए हैं अपने देश से क्योंकि उनके देश में उनकी जान को खतरा था, आप इस देश में उनको हेल्थ की सर्विस भी नहीं लेने दे रहे, तो इस चीज़ को इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो सिर्फ हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं, कम्युनिटी सर्विसेज, स्कूल नर्सेज, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज, सब पे सरकार ने ये कह दिया कि पहले इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो चेक करो। अब जो असाइलम सीकर्स हैं और रिफ्यूजीज हैं उन पे इसका जो फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि अगर आपके पास कोई किराए पे घर लेने आता है, ठीक है, या रियल इस्टेट की कोई प्रॉपर्टी परचेज करने आता है, तो भी आपको उनके जो है इमिग्रेशन स्टेटस को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब इसका एक और क्रिटिसिज्म जो लोग कर रहे हैं जो सरकार की इस पॉलिसी का, वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार का जो डेटाबेस है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है और उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं और उसमें काफ़ी ऐसे नाम भी हैं जो उस लिस्ट में नहीं होने चाहिए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं, जो राइटफुल स्टे है जिनका यूके में उनके भी नाम है, जिनकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है। इस बेस पर भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद इसराइल्स ग्रोइंग टेम्पल मूवमेंट, तो अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में मत घुसा करो ऐसी ऐसी न्यूज़ में जो इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ होती हैं, इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्यों न्यूज़ में है, ठीक है, और अगर पॉसिबल इफेक्ट इंडिया पे क्या होगा,
उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश मत किया करना। अब जैसे अगर आप ये पीछे हमने यूके वाली न्यूज़ देखी तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा, जो इंडिया में इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, और जाहिर सी बात है इलीगल इमिग्रेंट्स भी होंगे काफ़ी इंडियंस, तो उनके ऊपर उन इफेक्ट पड़ेगा, उनको बेसिक सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो इंडिया पे ये इफेक्ट हो गया, अपने को बेसिक बेसिक पता होना चाहिए इसीलिए इन सब चीज़ों का। अब इसराइल गोइंग टेम्पल मूवमेंट, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बैकग्राउंड प्रेजेंट और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इशू जो है इसका अलास्का मॉस्क्यू से रिलेटेड है, जेरूसलम से रिलेटेड है। जेरूसलम एक इसराइल में साइट है, ठीक है। इसको आप क्लेम करते हैं दोनों, पैलेस्टाइन और आपका इसराइल। रीज़न ये है कि जो जेरूसलम है वहाँ पे काफ़ी सारी रिलीजियस साइट्स हैं जिनको दोनों रिलीजन्स क्लेम करते हैं, दोनों मुस्लिम्स और ज्यूस दोनों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उनमें से एक आपकी साइट है अलास्का मॉस्क्यू, ठीक है। अब इस मॉस्क्यू में अभी तक क्या चल रहा था और अब ये वॉलेटिलिटी जो बढ़ रही है, इंस्टेबिलिटी जो बढ़ रही है, वॉयलेंस जो बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जो स्टेटस क्वो था, जो अभी तक मेंटेन किया गया था टेंपल माउंट में, उसका इरोजन हो गया। अब स्टेटस क्वो क्या था 1967 से लेके अब तक पास कुछ 2019 तक, आपका जो स्टेटस क्वो था वो क्या था? 1967 में ये कहा गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो वर्शिप करें अलास्का में और डोम ऑफ द रॉक, ये भी वहीं पर एक जगह है, ठीक है। और ज्यूज जो वर्शिप करेंगे वो सेंटर वॉल में करेंगे, ठीक है। तो अपने अपने एरियाज डिवाइड कर दिए गए थे और सब कुछ जो था वो ठीक से चल रहा था। लेकिन अब जो रिलीजियस जियोनिस्ट्स हैं, ठीक है, जो ज्यूज़ हैं, जो रिलीजियस ज्यूज़ ग्रुप्स हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, जो ज्यूज़ हैं वो एंटाइटल्ड हैं टू विजिट द टेंपल माउंट, ठीक है। और इसी के लिए उन्होंने टेंपल मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि नहीं, ये सारा हमारा है, सारा हमारे लिए रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ये हमने डिवीजन विविजन को नहीं मानते, हमारा टेंपल माउंट पे भी हक है, हमारे गॉड वहाँ पे भी इम्पोर्टेंस है, तो हम वहाँ पर भी अब से प्रे करेंगे। तो इसी वजह से भी सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अब और ज़्यादा इसको प्रॉब्लम को एग्जैजरेट ये पॉइंट कर देता है क्योंकि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वहाँ की, जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनका सपोर्ट मिलता है इन टेंपल मूवमेंट को। तो जो अरब पॉपुलेशन है इसराइल में वो और ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है कि एक तो जो स्टेटस को मेंटेन था आप उसको ख़राब कर रहे हैं, ऊपर से आप गवर्नमेंट होके इनको हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों की वजह से जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है इस रीजन की। आपको बस इतना ही जानना इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट टू लिंक थ्री रिवर्स इन राजस्थान, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं मेंस में कोट कर सकते हो कि सरकार क्या क्या कर रही है, कहीं एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल बनाएंगे 40,000 करोड़ की कॉस्ट पे, उसमें रिवर्स को लिंक करके हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को हम अपनी जो स्टेट की एक स्कीम है जल स्वावलंबन अभियान, उसके साथ लिंक करके ये प्रोजेक्ट करेंगे। तो कहीं पे एग्जांपल लिखना हो ना कि कैसे क्या किया किया जा रहा है टू इंप्रूव हार्वेस्टिंग, टू इंप्रूव इरीगेशन, टू इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर, तो एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि स्टेट्स भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। स्टेट्स का एग्जाम्पल देना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली देखते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बातें करते हैं, तो अगर आप सिर्फ कंटिन्यूसली सेंटर 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 करते रहो ना, तो वो कॉपरेटिव फेडरलिज्म को हाईलाइट नहीं करता। अगर आप अपने आंसर्स में स्टेट्स का पार्टिसिपेशन, स्टेट्स के इनिशिएटिव को हाईलाइट करोगे, तो वो आपका माइंडसेट दिखाएगा एग्जामिनर को, एग्जामिनेशन आपका पेपर चेक करने वाले को कि हाँ भैया ये बंदा सच में कॉपरेटिव फेडरलिज्म में मानता है, तभी स्टेट्स के इनिशिएटिव्स को भी पढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद GS3 में और क्या है देख लेते हैं। मोर द फॉरेस्ट ट्रीज द बेटर द कॉफ़ी, तो फॉरेस्ट ट्रीज, अब इस आर्टिकल में क्या हाईलाइट किया गया कि जो इन फॉरेस्ट ट्रीज हैं, अगर कॉफ़ी जो प्लांटेशंस होती हैं उनके आसपास जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, उनकी वजह से जो कॉफ़ी होती है, एक तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, जो नेटिव स्पीशीज ऑफ ट्री होती हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 6th largest कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, ठीक है। और हम शेड कॉफ़ी जो मेनली ग्रो करते हैं, शेड कॉफ़ी आपकी वही होती है जो प्लांटेशंस को कंटिन्यूसली ट्री शेड मिलता रहता है। तो जनरली जहाँ पे हमारी कॉफ़ी प्लांटेशंस होती थी वहाँ पे नेचुरली अकरिंग ट्रीज जो हमारे मिलते थे, जैसे जैक फ्रूट, ब्लैक डमा, ठीक है, मैग्नोलिया जिसको आप चंपा बोलते हो, ये जनरली उस एरिया में ट्रीज होते थे। और ये जो आपके ट्रीज हैं ये लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं, तो मतलब आप इनको कट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। अगर आप कट करोगे तो आप पे जो लीगली जो चार्जेस लगेंगे वो लग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जैसे ये ट्रीज नेचुरली गिरने लगे, नेचुरली गिरने पे तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता था आप पे,
तो जैसे जैसे ये ट्रीज नेचुरली गिरने लगे तो इन प्लांटेशन ओनर्स ने क्या किया, इन ट्रीज को रिप्लेस करना शुरू कर दिया एग्जॉटिक स्पीशीज से, जैसे सिल्वर ओक्स। अब इनको रिप्लेस करने का क्या रीज़न था, सिल्वर ओक्स जो था वो इनके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल था। क्यों? क्योंकि एक तो सिल्वर ओक्स आपका जो है लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है। आप सिल्वर ओक एक ट्री उगाओ, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाए उसको काट दो, उसका आपको टिम्बर मिलेगा, टिम्बर को आप फर्दर सेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जो लीगली प्रोटेक्टेड जैक फ्रूट वगैरह थे उनको तो कट नहीं कर सकते थे, सिल्वर ओक को आप इजीली कट कर सकते हो, तो आपको टिम्बर इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो सिल्वर ओक था वो पेपर ग्रो करने के काम आता था, तो इसीलिए भी इन लोगों ने इसको उगाना शुरू किया। और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिफिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिल्वर ओक्स ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया नेटिव ट्री स्पीशीज़ को, ठीक है। लेकिन अब एक स्टडी में ये पाया गया कि जो ये नेटिव ट्री स्पीशीज़ थे इनकी वजह से जो कॉफ़ी होती थी वो क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, और उसकी क्वांटिटी जो थी, जो यील्ड था क्रॉप का, वो भी ज़्यादा होता था। और सिल्वर ओक जहाँ पर अब डोमिनेट कर रहा है, जहाँ पर सिल्वर ओक ने रिप्लेस कर दिया है नेटिव स्पीशीज़ को, उन एरियाज़ के जो क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी भी डाउन हो गई है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको थ्रेटन होने लगा है अब मेजर पेस्ट अटैक्स से, ठीक है। तो मेनली इस आर्टिकल में आपको ये दिखाया गया है कि आपकी जो नेटिव स्पीशीज़ थी वो आपकी कॉफ़ी प्लांटेशन में आपको हेल्प करती थी। तो इसको कहीं एनवायरनमेंट में एग्जाम में आ जाए तो कोट करने के लिए एज अ केस स्टडी बता सकते हो कि भैया ऐसे ऐसे था, अब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमें अपनी नेटिव स्पीशीज़ के कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी साइंस एंड टेक के पेज पे न्यूज़ थी। साइंस एंड टेक के पेज पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब साइंस एंड टेक का पेज पढ़ना है, अगर आप खुद से भी पढ़ते हो, तो हमेशा एक बात याद रखना कि एज अ साइंटिस्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको मेनली साइंस एंड टेक में के पेज में क्या देखना है कि कोई नई इन्वेंशन हुई है, ठीक है, कोई नई इन्वेंशन हुई है तो उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ है, उसका क्या फ़ायदा होगा, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे अगर कुछ है, वो इंडिया की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन बनी है फॉर एग्जाम्पल, वो पर्टिकुलरली किसी डिजीज़ को टारगेट करती है, तो उस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इंडिया में उस डिजीज़ का क्या स्टेटस है, तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। अब ये पेपर्स इनके बारे में आधा पेज भरा हुआ था, ठीक है, अब आधे पेज में केमिकल फार्मूला क्या है, कैसे टेस्ट किए, किन जानवरों पे टेस्ट किए, क्या सक्सेस रेट रहा, ये सब वो सब, तो इसको पढ़ के क्या करोगे, एक तो याद नहीं रहेगा, दूसरी बात ये एग्जाम्पल में अपने एग्जाम्स में आप कहीं लिख भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो जैसे पेपर्स इनकी बात हो रही थी, ये कहा जा रहा है कि ये एक ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग है, इस ड्रग को हम रीपर्पज़ करके, रीपर्पज़ मतलब इसमें थोड़े से चेंजेस लाके, मॉलिकुलर चेंजेस जो भी साइंटिस्ट लोग लेके आते हैं वो लेकर आकर इसको चिकनगुनिया के लिए यूज़ करना शुरू करेंगे। तो अपने लिए अभी ये देख लेते हैं कि पिपराजिन ये है क्या। करंटली जो आपकी ये पिपराजिन मेडिसिन है, इसको यूज़ किया जाता है फॉर्म इन्फेक्शंस में, ठीक है। इसका एक पिपराजिन बेस्ड मॉलिक्यूल होता है, जो थोड़ा बहुत मॉलिकुलर चेंज वगैरह लेकर बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं, तो उसको ट्रीट किया जाता है HIV के लिए भी, ठीक है, और इसको एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी जो है आपका यूज़ किया जाता है। अब इसको IIT रुड़की वाले जो आपके लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम यार इसको चिकनगुनिया ट्रीट करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने थोड़े से टेस्ट किए हैं और अभी तक टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। चिकनगुनिया आपको पता होना चाहिए कि एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, ये सेम इंसेक्ट के बाइट करने से होता है जो आपका डेंगू के केस में होता है, एडिस एगेटी, ठीक है, तो उसके बाइट करने से आपको ये डिजीज़ होता है, और इसका अभी तक कोई प्रॉपर ड्रग जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। और इंडिया में क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्वच्छता है, इसीलिए जो डिजीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है इंडिया में, तो अब इसके लिए अगर कोई ड्रग डेवलप हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी चिकनगुनिया के बारे में आप थोड़ा सा और रिसर्च कीजिएगा, मैंने ज़्यादा डिटेल यहाँ पे इसीलिए नहीं दी है ताकि आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद गुड फूड और बैड ड्रग्स, ये एक आर्टिकल था, तो इस आर्टिकल में क्या है फटाफट से देख लेते हैं। डिस्कस किया गया है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपकी, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, अब लोग काफ़ी लोग आप में से जिम जाते होंगे तो आपको पता है हम जिम जाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन शेक्स वगैरह लेते हैं, तो जो आपके प्रोटीन शेक्स आते हैं ना वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं। ये एक एग्जांपल है, आपके प्रोटीन शेक्स जो होते हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। बाकी न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, विटामिन जो टेबलेट्स आते हैं वो आपके न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। बेसिकली ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन शेक आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, विटामिन आपके विटामिन रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, तो ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि ठीक है ना। तो अब इनको डिस्कस क्यों किया गया इस आर्टिकल में, क्या रीज़न है कि इनको डिस्कस किया गया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है एक हैदराबाद में, उन्होंने अभी क्या पाया है कि कुछ जो फॉर्मुलेशंस थे जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे, और उनमें कुछ जो फॉर्मुलेशंस थे उनमें
लेड के जो है वो सैंपल्स पाए गए हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे सैंपल्स उन्होंने पाया कि एडल्ट्रेटेड है, जो कंटेन करते हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, और इसीलिए जो सेक्सुअल इम्पोटेंसी इम्प्रूव करने के लिए आपके जो सप्लीमेंट्स थे उनमें भी कहीं एडवर्स रिएक्शंस पाए गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी ये जो न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री के अंडर जो ड्रग्स आते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई विटामिन का कैप्सूल लेते हो, तो ये विटामिन का कैप्सूल आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर कवर नहीं होता, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर जो भी आपके बाकी एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं वो कवर होते हैं, लेकिन न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री के ड्रग्स जो हैं वो कवर नहीं होते। और ग्लोबली ये इंडस्ट्री काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, कुछ $15 बिलियन इसकी वर्थ है ग्लोबली, जिसमें से $2 बिलियन तो इंडिया में ही है। तो देख रहे हैं कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रेजेंस है। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट किया है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है FSSAI, उन्होंने कहा कि अब हम गाइडलाइंस बना रहे हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, और एडवर्सरी जो भी फॉल्ट आ रहे हैं इन प्रोडक्ट्स में, कुछ लेड है किसी में या एडल्ट्रेटेड है, तो उसको रिपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी दी गई वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद को दे दी गई, ठीक है। और सरकार ने ये भी कहा, FSSAI ने ये भी कहा कि हम एक सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाएंगे डॉक्टर्स के लिए जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, चाहे वो कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, हम वहाँ उन डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करेंगे, और अगर उनके पास कोई पेशेंट आता है जो ऐसे एडवर्स इवेंट्स शो करता है जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का इफेक्ट हो, तो उसको लिए वो रिपोर्ट करें FSSAI को, ठीक है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट के एक्शन पे भी कुछ रिएक्शन आए, तो गवर्नमेंट के एक्शन पे जो रिएक्शन आए वो ये थे कि सरकार ने कहा कि हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को हम जो है वो अमेंड कर देते हैं, और उसमें हम जो ड्रग्स होंगे उनको अलग से दिखाएंगे और डाइटरी सप्लीमेंट्स को अलग से दिखाएंगे। लेकिन अब जो इंडस्ट्री है उनका ये कहना है कि जो विटामिन हैं आप उनको ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो आपको विटामिन्स को दोनों ड्रग्स के अंदर भी ट्रीट करना होगा और एज ए डाइटरी सप्लीमेंट भी ट्रीट करना होगा, एक तो ये। दूसरा, कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब किसी पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसके ऊपर कुछ एडवर्स इफेक्ट दिख गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कोई प्रोटीन शेक लिया और उसके ऊपर वो एडवर्स इफेक्ट दिख गए, तो आप ये नहीं जज कर सकते कि ये एडवर्स इफेक्ट उस प्रोटीन की वजह से सब पे होगा, क्योंकि हर बॉडी का जो डाइजेशन होता है वो अलग होता है, तो क्या पता किसी पर्टिकुलर पर्सन पे उसने एडवर्सली इफेक्ट किया हो, तो आप एक पर्सन के इफेक्ट से आप ये जज नहीं कर सकते कि वो सब पे ही वैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया इन इंसेक्ट्स गट, तो ये नॉर्मल सी न्यूज़ है। इसमें साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि जैसे ह्यूमंस के या एनिमल्स के गट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं डिजीजेस से, वैसे ही इंसेक्ट्स के गट में भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके गट में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं मलेरियल पैरासाइट्स से, ठीक है। ये इंसेक्ट्स आपको मलेरिया काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है, लेकिन अगर इन इंसेक्ट्स के गट में वो बैक्टीरिया होंगे तो मलेरियल पैरासाइट इन इंसेक्ट्स के ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा और फर्दर इनके काटने से आपको मलेरिया नहीं होगा। लेकिन अब इसमें चैलेंज क्या है कि कैसे सब इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के गट के अंदर ये बैक्टीरिया जो है अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि जो डिजीजेज हैं वो कम हो सके, तो उस पर अब रिसर्च वगैरह होगी, तो अपने लिए और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। ब्लेम इट ऑन द जीन्स, तो अब इस न्यूज़ में क्या था फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या कर रहे हैं इसमें वो जान लेते हैं। इसमें जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया है वो है एक जेनेरिक वेरिएंट क्रोमोग्रेनिन ए CAGA जीन कॉल्ड CAGA प्रॉम्प्ट हैप्लोटाइप 2, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस किया गया, अब इसकी ज़्यादा डिटेल में मत घुसना कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। अगर साइंस से रिलेटेड कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है मेडिकल तो वो पढ़ लेना, नहीं तो जनरल स्टडीज़ वाले हो, नॉर्मल और कोई और ऑप्शनल है तो इतना ज़्यादा मत घुसना, पता चलना होना चाहिए कि बस एक जेनेटिक वेरिएंट है ये, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ लोग जो ये जीन कैरी करते हैं वो हाइयर रिस्क पे होते हैं कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे, ठीक है, तो इसीलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। और क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक और रीज़न है इसका, वो ये है कि 35-40% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ये जीन वेरिएंट कैरी करती है, तो हमारी जो काफ़ी हद तक जो पॉपुलेशन है वो नेचुरली जो है कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को प्रोन हो जाती है। ये वेरिएंट आपका मोर फ्रिक्वेंटली साउथ एशियन
एंसेस्ट्री में होती है, तो इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, तो हमारी 35 to 40% पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे है। अब इस फाइंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तब निकालते हो जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है। अब आपको एक प्रॉब्लम पता चल गई, तो आप इसके सोल्यूशन निकालने शुरू करोगे, जो भी थेरोप्रेटिक और प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज आप इसके लिए बनाओगे। तो इसीलिए ऐसी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आज इतना ही था, और 2nd और 3rd अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपको आज 10 बजे तक मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।